उन्होंने धनिया में कोई कमी नहीं की है, जो भी आइटम है सभी में धनिया भर भर के डाला है। क्या धनिया मार्केट में सस्ता हो रहा है? काफी इंजॉय कर रहे हो आप नाश्ते में? माय गॉड, काफी अच्छा है और वैरायटीज भी काफी है। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था, ये काफी अच्छी जगह है, खाना भी बेहतरीन है और आप तो देख ही रहे हो हर एक चीज। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों जो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ये है अनलिमिटेड बूफे ब्रेकफास्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऐसे नए नए अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखें। चलिए यहाँ का ब्रेकफास्ट हम एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम है लैंडमार्क। ये हमें सजेस्ट करा है हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर संदीप ने। ये स्थित है मलाड वेस्ट लिंक रोड। यहाँ पे सीटिंग के लिए आपके पास चॉइस है, एक तो आउटडोर है और दूसरा है एसी डाइनिंग हॉल। नहीं अभी तो बहुत सारे हैं, जैसे गरम डोसा हो गया, मसाला डोसा, वो गर्मा गर्म यहाँ पे सर्व करेंगे ना। तो अच्छा है हमारे लिए। तो अभी तो हम स्टार्ट करेंगे पहले किससे? शीरा है, काफी मिठास है इसमें, काजू डाल रखा है, काजू के पीसेस है इसमें। अच्छा स्वाद है इसका, पाइनएप्पल शीरा है, इसमें पाइनएप्पल के भी पीसेस हैं, अच्छा बना है। अब ट्राई करते हैं यहाँ का हम इडली। अच्छा सॉफ्ट है इडली और नारियल की चटनी है, ज्यादा तीखा भी नहीं है। कभी मिठास वाला नहीं है, अच्छा है, टेस्टी है सांभर। मेदू वड़ा काफी क्रिस्पी है, बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया। बटाटा वड़ा है, धनिया डाला है मसाले में, काफी
गर्मा गर्म कमाल का है। मुंबई में हो और बटाटा वड़ा नहीं खाया, लगता बटाटा वड़ा मैं और रिपीट करूँगा। सच में बटाटा वड़ा ना बहुत ही अच्छा है। जो नमक मसाला परफेक्ट। उत्तप्पा है, मिनी उत्तप्पा है। ऑनियन उत्तप्पा है, उसमें भी ये भी ज्यादा खट्टा नहीं है, वो काफी टेस्टी है। अच्छे से धनिया डाल रखा है उत्तप्पा में, देखिए। लेकिन उत्तप्पा छोटा है ना? छोटा बोलेंगे तो ठीक ही है, दो तीन जो बार। हम दो खाते हैं वो चार या छह खा लो, एक ही बात हो जाएगा। उतने बार लेके आना पड़ेगा ना। लेकिन जितना भी है ना, जो भी है, अच्छा टेस्टी है सब। टेस्ट रहेगा अच्छा तभी तो लोग आएंगे भी ना। मसाला डोसा एकदम गर्मा गर्म सर्व किया इन्होंने, और अंदर मसाला देखिए लेयर थिन है, थिन लेयर के अंदर पूरा मसाला भर रखा है। हाँ, डोसा का ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऐसे ही खाऊंगा, क्योंकि इन्होंने जो बना के दिया है ना रोल जैसा, अच्छा क्रिस्पी है। भाजी भी अंदर अच्छे से डाल के दिया है। एक अच्छा है इनका कि ऐसे लपेट के नहीं दिया है, कट करके अच्छे से पीस में दिया है। इसको तो बनता है वाव। इसको भी रिपीट करोगे? अभी तो मिसल पाव भी है, बहुत है। और धनिया इतना डाल रखा ना, आ। और इन्होंने धनिया में कोई कमी नहीं की है, जो भी आइटम है सभी में धनिया भर भर के डाला है। क्या धनिया मार्केट में सस्ता हो रहा है? बाहर से कलर में मालूम पड़ रहा है, देखिए हरा भरा। सावन का महीना है ना, इसलिए हरा भरा है। एक्चुअली 199 में ये भी अच्छा है ना। हाँ। देखिए सिर्फ संडे का ऑफर है, संडे ब्रेकफास्ट का है ना। वापस ये रिपीट आ गया। उत्तप्पा और बटाटा वड़ा तो वाह। हाँ। और जो डोसा लवर है उनके लिए काफी अच्छा है, गर्मा गर्म वो लोग टेबल पे सर्व करेंगे, और बाकी सब अक्रॉस द काउंटर मिलेगा आपको। अच्छा टेस्ट है। ये है मिसल पाव, बम्बई के दो स्पेशल डिश है, बटाटा वड़ा और मिसल पाव, जो आप कभी मिस नहीं कर सकते यहाँ पे, जो कि 12 महीने आपको मुंबई में मिलेगा। ये दोनों डिश मुंबई का स्पेशल डिश है, बटाटा वड़ा और मिसल पाव। ये है आपका खाने का तरीका। कमाल का है, काफी एंजॉय कर रहे हो आप नाश्ते में। माय गॉड, काफी अच्छा है और वैरायटीज भी काफी है। हाँ। हमारे सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था, ये काफी अच्छी जगह है, खाना भी बेहतरीन है, और आप तो देख ही रहे हो हर एक चीज, कितने आइटम्स है। 199 में खराब नहीं है, गर्मा गर्म डोसा आपके टेबल में आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपने नाश्ता कम खाया क्या? आप बोल रहे क्या, मुझे लगता है कि कम खाया, पर मैं नहीं लगता आपने कम खाया। 199 का खाया होगा, ज्यादा ही, कहीं पे भी आप ना पूरा वसूली कर लेते हो। वाव, यानी वसूली नाम है मेरा। हाँ, वसूली। प्यार से खाते हो, कोई भी खाना खाते हो ना एकदम से प्यार, जिसको भूख नहीं लगेगी ना वो आपको देख के उसको भी खुद भूख लग जाएगी सामने वाले। यानी मैं होटल अच्छे से ये करता हूँ। एक्चुअली खाना ऐसा कोई खराब भी नहीं रहता। हाँ, कभी टेस्ट में ऊपर नीचे थोड़ा अच्छा तो होता है, लेकिन उतना तो नहीं होता कहीं पे भी, कहीं कहीं पे। आजकल ऐसा हो गया ना कि सभी रेस्टोरेंट है ना कंपटीशन हो गया, तो अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, सब तो उसमें हमारे जैसे लोगों का फायदा, क्योंकि हाँ उन लोगों को भी तो अपना ये करना है ना, अच्छा बनाएंगे अच्छा ही खिलाएंगे किसी को भी, क्योंकि लोग दोबारा जाएं उस होटल पे।
दोस्तों हमने तो काफ़ी एंजॉय किया, हमने यानी मैंने काफ़ी एंजॉय किया। सरू तो नहीं खा रही है, सरोज जी का तो मेरे को खाते हुए देखते हैं उनका पेट भर गया है। ऐसे आप भी जरूर आइए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। संडे रहता है यहाँ पे 8 से 10 बजे तक, अनलिमिटेड बुफे ब्रेकफास्ट है। ऐसी नई नई चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लोर करते रहूँगा। आपसे फिर से गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। धन्यवाद पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों यहाँ बिल में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया है।